अस्सलाम वालेकुम, किचन विद रेहाना में आपका इस्तकबाल है। आइए आज हम आपको गाजर और मूली का अचार बनाना बताते हैं, जिसके लिए हमने 150 ग्राम मूली गाजर ली है और 100 ग्राम हमने मूली ली है। हम थोड़ा सा ही बना रहे हैं इसको अभी। और ये देखिए, हमने 8 से 10 लिए हरी मिर्ची, इनको बीच में से चीर लेंगे, हम चीर लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए, हमने सब तैयार कर लिया है। और गाजर मूली को हमने पहले ही धो लिया था। अभी हमने 1 टेबल स्पून ये ऑयल लिया है, इसको हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। आप ऑयल ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इनको, इनका पानी ड्राई करने तक हम इसी ऑयल में फ्राई करेंगे इनको। ये हैंड टू हैंड अचार बनाएं और खाएं। ये देखें, ये खाने में बहुत अच्छा होता है और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है, ख़ास करके इसमें गाजर जो है बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। ये देखें, इसका जब पानी ड्राई हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे ये आधा टीस्पून मेथी दाना, आधा टीस्पून से कम मेथी दाना है, और आधा टीस्पून इसमें कलौंजी है। आधा टीस्पून डाली हमने राई, और आधा टीस्पून डाला है इसमें हल्दी पाउडर, और इसमें डालेंगे हम ये 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, और ये है सौंफ, कुटी हुई सौंफ है ये आधा टीस्पून। ये चिली फ्लेक्स है, आप अगर इसको तीखा बनाना चाहें तो डालें, नहीं तो नहीं, हम इसको तीखा बना रहे हैं। ये 1.5 स्पून हमारा ये धनिया पाउडर है, नमक ज़रूरत के मुताबिक। इसमें नमक थोड़ा तेज़ी रखिएगा, अचार में नमक तेज़ी अच्छा लगता है। इन सब चीज़ों को अच्छे से हल्की आंच पर भून लीजिए, फ्राई कर लीजिए, ताकि सारा मसाला जो है गाजर और मूली में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखें, ताकि इसमें बिल्कुल पानी ना रहे, पानी इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये देखें, इसको आप 10 से 15 दिन ऐसे ही रखकर खा सकते हैं आराम से। ये देखें, हमारा बिल्कुल हो चुका है। हमने गैस बंद कर, फ्लेम बंद कर दिया है अपना। इसको हम ऐसे ही ठंडा होने के लिए रहने देते हैं, इस पर नेट ढक देते हैं हम। ये देखिए, हमारा ठंडा हो चुका है। इसको आइए हम एक जार में या डब्बे में, जिसमें भी आपको रखना है उसमें पलट लीजिए। ऑयल अगर ज़्यादा इसमें डाल, ज़्यादा दिन चलाना है तो इसमें ऑयल ज़्यादा डाल सकते हैं आप। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल किचन विद रेहाना को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर।